सोनाली की कहानी एक माँ की मुश्किल और उम्मीद। जिंदगी एक सफर है जिसमें सुख दुख दोनों होते हैं। कभी कभी हुमेन ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जो हमारी हिम्मत को आजमाती है। सोनाली जो एक सिंगल मदर है ऐसी ही एक मुश्किल से गुजर रही है। वो अपनी 4 साल की बेटी के लिए दिन रात मेहनत करती है, लेकिन अकेले कमाकर घर चलाना किसी पहाड़ को चादने से कम नहीं है। सोनाली हर महीने 26,000 रुपए कमाती है, लेकिन उनके खर्चे 30,000 रुपए तक पहुंच जाते हैं, यानी हर महीने 60,000 रुपए की कमी हो जाती है। उनके ऊपर घर का लोन है, किराया देना पड़ता है और बेटी की स्कूल फीस भी। जिंदगी उनके सामने कई मुश्किलें लाती है। ऐसी मुश्किलें बहुत सी सिंगल मदर्स के साथ होती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन सोनाली अकेली नहीं है। मिलकर हम इन पैसों की समस्याओं से निकलने के लिए हल निकल सकते हैं। उम्मीद की किरण हमेशा बाकी रहती है। सही रास्ता दिखाने वाले और सहारे की मदद से सोनाली अपने पैरों पर खड़ा हो सकती है, और आप भी हो सकते हैं। आइए मिलकर आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढते हैं। ज्यादा कमाई, नई सीख, नए मौके। कभी कभी घर चलाने के लिए हुमेन कुछ नया करना पड़ता है। सोनाली के लिए अपनी इनकम बढ़ाना बहुत जरूरी है। कुछ रास्ते हैं जिन पर वो सोच सकती है। पहला, नई स्किल्स सीखने से अच्छी सैलरी वाली जॉब्स मिल सकती हैं। जरा सोचिए, सोनाली को क्या करना पसंद है और उनकी क्या कला है। हो सकता है वो कंप्यूटर में अच्छी हों या डिजाइन में उनकी पकड़ हो। आजकल बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो ज्यादा महंगे नहीं है। इन प्रोग्राम्स से वो ऐसी स्किल्स सीख सकती हैं जिनकी मार्केट में डिमांड है, जिसे उनकी कमाई बढ़ने की संभावना है। दूसरा ऑप्शन है ऐसी जॉब्स ढूंढना जहां सैलरी ज्यादा मिलती हो। इसके लिए उन्हें अपना रेज्यूमे अपडेट करना बैठ सकता है और अपने फील्ड के लोगों से नेटवर्किंग करनी बैठ सकती है। याद रखिए, बदलाव मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह एक बेहतर कल की तरफ भी ले जा सकता है। अपने दम पर और मेहनत से सोनाली अपनी इनकम बढ़ा सकती है और अपने और अपनी बेटी के लिए एक बेहतर जिंदगी बना सकती है। कर्ज के ये बोझ से छुटकारा। कर्ज कमर तोड़ देने वाला बोझ बन सकता है। सोनाली की हर महीने की इनकम का एक बड़ा हिस्सा होम लोन के ईएमआई में चला जाता है, लेकिन इस बोझ को कम करने के लिए कुछ रास्ते हैं। एक ऑप्शन है कि वो अपना प्रेजेंट घर बेचने के बारे में सोचे। अगर घर अच्छी प्राइस में बिक जाता है तो लोन का एक बड़ा हिस्सा चुकाया जा सकता है। दूसरा तरीका है कि जब भी पॉसिबल हो प्रिंसिपल अमाउंट में कुछ एक्स्ट्रा पैसे जमा कर दिए जाएं। थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा पेमेंट से भी लॉन्ग टर्म में बड़ा फर्क पड़ता है, जिसे ओवरऑल इंटरेस्ट कम देना पड़ता है। यह भी देखना चाहिए कि क्या लोन को किसी और लेंडर से कम इंटरेस्ट रेट पर रिफाइनेंस करवाया जा सकता है। ऐसा करने से हर महीने का ईमी बर्डन कम हो जाता है, जिससे कुछ पैसे बच जाते हैं जिनकी बहुत जरूरत होती है। याद रखिए, कर्ज से निपटने के लिए अनुशासन और एक सोची समझी योजना की आवश्यकता होती है। सक्रिय कदम उठाकर सोनाली अपनी फाइनेंसेस पर नियंत्रण पा सकती है और कर्ज मुक्त भविष्य की दिशा में काम कर सकती है। अपने भविष्य की सुरक्षा। जिंदगी अनिश्चित है और अनहोनी के लिए तैयार रहना बेहद जरूरी है। इंश्योरेंस एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, मुश्किल समय में आर्थिक मदद प्रदान करता है। सोनाली के लिए 2 तरह के इंश्योरेंस बहुत महत्वपूर्ण है, टर्म इंश्योरेंस और क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस उनके देहांत हो जाने की स्थिति में उनके नॉमिनी यानी उनकी बेटी को एक मुश्त राशि प्रदान करता है। दूसरी तरफ क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, अगर उन्हें कैंसर या हार्ट अटैक जैसी कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो आर्थिक मदद प्रदान करता है। ये कवरेज मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करने में मदद कर सकता है और उनकी बेटी की भलाई सुनिश्चित कर सकता है। हालांकि इंश्योरेंस प्रीमियम्स एक अतिरिक्त खर्च की तरह लग सकते हैं, लेकिन ये मानसिक शांति के लिए एक निवेश है। यह अपनों के भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में है, तब भी जब हम उनकी देखभाल करने के लिए आसपास न हो। 5वां सेक्शन, बजटिंग की शुरुआत। हर रुपये का सही इस्तेमाल। बजट हमारी फाइनेंसेस का नक्शा होता है। यह इनकम, खर्चे और सेविंग्स गोल्स को ट्रैक करने में मदद करता है। सोनाली के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ पहला कदम है एक प्रैक्टिकल बजट बनाना। शुरुआत में इनकम की सारे सोर्सेज और हर खर्चे को लिख लीजिए। इसमें ग्रोसरीज और यूटिलिटीज से लेकर रेंट और लोन पेमेंट्स तक सब कुछ शामिल होना चाहिए। इसके बाद खर्चों का विश्लेषण करें
और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां कटौती या एडजस्टमेंट्स की जा सकती है। क्या वह बिजली के बिल पर बचत कर सकती हैं? क्या किराने का सामान खरीदने के और किफायती विकल्प हैं? एक बार बजट बन जाने के बाद खर्चों पर पूरी नजर रखना बहुत जरूरी है। यह एक नोटबुक, स्प्रेडशीट या मोबाइल बजटिंग एप्स का उपयोग करके किया जा सकता है। याद रखें, बजटिंग का मतलब कमी करना नहीं है, यह पैसे के साथ सोच समझकर चुनाव करने के बारे में है। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि हर रुपये का उपयोग बुद्धिमानी और प्रभावी ढंग से हो। सेक्शन 6, समझदारी से खर्च कारण रोज के ही जीवन में बचत। पैसे बचाने का मतलब हमेशा बड़े त्याग करना नहीं होता है। हमारे दैनिक जीवन में छोटे सचेत बदलावों से समय के साथ महत्वपूर्ण बचत हो सकती है। सोनाली बिजली और मोबाइल फोन बिल्स जैसी यूटिलिटीज के लिए कम दरों पर बातचीत करके देख सकती है। कई सर्विस प्रोवाइडर्स ग्राहकों को बनाए रखने के लिए डिस्काउंट्स या बेहतर प्लान्स की पेशकश करते हैं। एक और क्षेत्र जहां बचत की जा सकती है वह है चाइल्ड केयर। क्या सरकार द्वारा प्रायोजित कोई प्रोग्राम उपलब्ध है? क्या वह दूसरी माताओं के साथ को-ऑप व्यवस्था तलाश सकती है? जब किराने के सामान की बात आती है तो स्थानीय बाजारों से खरीदारी करना और थोक में खरीदना अक्सर सस्ता पड़ सकता है। बाहर का खाना ऑर्डर करने के बजाय घर पर खाना बनाने से भी बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। याद रखें, बचाया गया हर रुपया कमाया हुआ रुपया होता है। खर्च करने के प्रति सचेत दृष्टिकोण अपनाकर सोनाली अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए धन मुक्त कर सकती है। सेक्शन 7, कल के लिए प्लानिंग, अपने सपनों में निवेश। जहां तत्काल वित्तीय चुनौतियों का प्रबंधन महत्वपूर्ण है, वहीं भविष्य के लिए योजना बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपनी बेटी की शिक्षा और अपनी रिटायरमेंट जैसे दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए निवेश करना प्राथमिकता होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड्स शेयर मार्केट में निवेश करने का एक सरल और प्रभावी तरीका प्रदान करते हैं। सोनाली छोटे नियमित निवेशों से शुरुआत कर सकती है और जैसे जैसे उनकी आय बढ़ती है धीरे धीरे राशि बढ़ा सकती है। कंपाउंडिंग की शक्ति का अर्थ है कि छोटे निवेश भी लंबी अवधि में लगातार किए जाने पर काफी बढ़ सकते हैं। यह एक बीज बोने जैसा है जो समय के साथ एक शक्तिशाली पेड़ के रूप में विकसित होता है। स्टॉक्स बॉन्ड्स और रियल एस्टेट जैसी विभिन्न एसेट क्लासेस में निवेश को डाइवर्सिफाई करने से जोखिम का प्रबंधन करने और रिटर्न्स को अधिकतम करने में मदद मिल सकती है। यह हमारी सारी उम्मीदें एक ही जगह न लगाने के बारे में है। याद रखें, निवेश केवल अमीरों के लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो एक सुरक्षित और पूर्ण भविष्य का सपना देखते हैं। जल्दी शुरुआत करके और निवेशित रहकर सोनाली अपने और अपनी बेटी के लिए एक ठोस वित्तीय आधार बना सकती है। सेक्शन 8, एक साथ ताकत सिंगल मदर्स के लिए सहायता। सिंगल पेरेंटहुड की चुनौतियों का सामना करना कई बार भारी पड़ सकता है, लेकिन सोनाली को ऐसा अकेले नहीं करना है। उन लोगों से जुड़ने में ताकत है जो उनकी यात्रा को समझते हैं। सिंगल मदर्स के लिए सपोर्ट ग्रुप्स में शामिल होने से समुदाय और अपनेपन की भावना मिल सकती है। यह अनुभव साझा करने, सलाह लेने और एक दूसरे को प्रोत्साहन देने के लिए एक सुरक्षित जगह है। अन्य सिंगल माम से जुड़ने से व्यावहारिक समर्थन के द्वार भी खुल सकते हैं, जैसे चाइल्ड केयर सहायता या जॉब रेफरल्स। कभी कभी फर्क पड़ने के लिए बस एक मदद करने वाले हाथ और सुनने वाले कान की जरूरत होती है। सोनाली जैसी सिंगल मदर्स का समर्थन करने के लिए सरकारी सहायता कार्यक्रम भी उपलब्ध है। ये कार्यक्रम बोझ को कम करने के लिए वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सेवा लाभ और अन्य संसाधन प्रदान करते हैं। याद रखें, मदद मांगना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके और एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम का निर्माण करके सोनाली चुनौतियों से पार पा सकती है और आगे बढ़ सकती है। सेक्शन NAU, एक उज्जवल भविष्य, अपनी फाइनेंसेस पर कंट्रोल। हो सकता है कि जिंदगी हमारे सामने मुश्किलें खड़ी कर दे, लेकिन दृढ़ संकल्प और सही दृष्टिकोण के साथ हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। सोनाली की कहानी मानवीय भावना के लचीलेपन का प्रमाण है। अपनी आय बढ़ाने, कर्ज का प्रबंधन करने, इंश्योरेंस सुरक्षित करने और बुद्धिमानी से बजट बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाकर सोनाली अपने और अपनी बेटी के लिए एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। याद रखें,
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। इसके लिए निरंतर प्रयास, अनुशासन और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने की इच्छा की आवश्यकता होती है। किसी योग्य फाइनेंशियल एडवाइजर से मार्गदर्शन लेने से सोनाली की अनूठी स्थिति के अनुरूप व्यक्तिगत सलाह और सहायता मिल सकती है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर उन्हें एक व्यापक वित्तीय योजना बनाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ट्रैक पर बने रहने में मदद कर सकता है। सोनाली की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह हमें याद दिलाती है कि हम चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना करें, साहस, लचीलापन और सही समर्थन के साथ हम वित्तीय सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं और संभावनाओं से भरा जीवन बना सकते हैं।